नमस्कार ओम शांति, आप देख रहे हैं पीस न्यूज और मैं हूं पूजा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री तथा अजमेर के विधायक वासुदेव देवनानी समेत बीजेपी नेताओं ने ब्रह्मा कुमारीज के शांतिवन परिसर का किया दौरा, संस्था की गतिविधियों की ली जानकारी। मेडिकल विंग द्वारा त्रिदिवसीय माइंड बॉडी मेडिसिन ई कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जीवन में अध्यात्म एवं राजयोग को अपनाने का किया आह्वान। रेडियो मधुबन 90.4 एफएम द्वारा राजपुरा गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यक्रम शारीरिक और मानसिक विकास में पोषण का महत्व विषय पर आयोजित। और आखिर में राष्ट्रीय किसान दिवस पर यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत अन्य कई स्थानों पर कार्यक्रम, किसानों को आत्मनिर्भर बनने का दिया संदेश। बुलेटिन की पहली खबर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय से जुड़ी है, जहां राजस्थान सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री तथा अजमेर के विधायक वासुदेव देवनानी, आबूरोड नगर पालिका चुनाव के सह प्रभारी मनोहर सिंह, सिरोही जिलाध्यक्ष नारायण पुरोहित समेत कई भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने शांतिवन का अवलोकन किया तथा संस्था की गतिविधियों की जानकारी ली। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष बीके करुणा, संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय ने उनसे मुलाकात की तथा ईश्वरीय ज्ञान चर्चा के पश्चात शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया। संस्थान के शांतिवन में वरिष्ठ नेताओं के साथ नवनिर्वाचित पालिका उपाध्यक्ष रवि शर्मा, यूआईटी के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कोठारी, संस्थान के पीस न्यूज के संपादक बीके कोमल समेत कई लोग उपस्थित थे। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मेडिकल विंग द्वारा त्रिदिवसीय माइंड बॉडी मेडिसिन ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसका विषय रहा स्पिरिचुअल डायमेंशंस इन मेडिकल केयर, द टाइम इज नाउ। इस कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ पर प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह ने सभी का स्वागत किया। वही कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एवं संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजोगिनी दधिरतन मोहिनी ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। जो हमारे स्टाफ, चाहे वो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, टेक्नीशियन हैं, जो भी स्टाफ थके हुए हैं, इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे, शिविर को अटेंड करेंगे, तो उनके जीवन में नई जागृति आ जाएगी और नई एक उमंग उत्साह आ जाएगा, और फिर नई उमंग उत्साह से अपनी ड्यूटी करेंगे, कोविड-19 के पेशेंट को दिल से सेवा करेंगे। तो इसलिए इस कॉन्फ्रेंस को हम इतना पूरे भारत और पूरे विश्व में इस कॉन्फ्रेंस को हमने सब जगह प्रयास किया है कि सभी जगह सबको इस कॉन्फ्रेंस से लाभ मिले। संस्थान का मेडिकल प्रभाग पूरे देश में चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े 25 लाख चिकित्सकों एवं नर्सिंग कर्मियों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। इससे चिकित्सकों का उत्साह वर्धन होगा तथा उन्हें और समर्पण और आत्मीयता से मानव सेवा करने की प्रेरणा मिलेगी। ब्रह्म कुमारी संस्थान के मेडिकल प्रभाग का यह प्रयास निश्चित तौर पर लोगों के जीवन में सकारात्मक और सृजनात्मक परिवर्तन लाने में सफल होगा और लोगों के संपूर्ण स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त होगा। इस दौरान संस्थान के महासचिव बीके निर्वैर, प्रभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मेहता, उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रताप मिढा ने स्वयं को बेहतर बनाने के लिए राजयोग को जीवन में अपनाने की अपील की। वहीं प्रभाग के संयुक्त सचिव डॉक्टर सचिन परब ने मास्टरिंग द सेल्फ विषय पर चर्चा की और वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके सूरज ने चिकित्सा में राजयोग ध्यान विषय पर प्रकाश डाला। कोरोना तो एक बीमारी है, इसके अलावा दूसरी कितनी बीमारियां हैं, तो वैसे तो सभी बीमारियों का कारण हम सब जानते हैं। बाबा के महावाक्यों में आता है कि ये 63 जन्म से जो हम 5 विकारों के वश होकर के और ऐसे कर्म करते रहे, उसकी सजा भोगने के लिए ये सारी बीमारियां आ जाती। साइंस की देन है कि उस बीमारी के ऊपर विजय पाने के लिए इंजेक्शंस हैं और टेबलेट्स हैं और सिरप है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन
आखिर तो आप जानते हैं, अगर ये शरीर काम नहीं करेगा तो आत्मा को शरीर छोड़ना पड़ेगा। मिशन ऑफ मेडिकल विंग इज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट राइजिंग इंसिडेंट्स ऑफ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस ड्यू टू क्रॉनिक स्ट्रेस ऑफ द मॉडर्न लाइफ बाय ट्रेनिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन वैल्यूज सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ केयर। जितने भी क्रॉनिक इलनेसेस है, चाहे डायबिटीज है, चाहे आर्थराइटिस है, अस्थमा है, यदि हम लोगों को एजुकेट करते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं, उनको उस बीमारी को डीमिस्टिफाई करके ज्ञान देते हैं, तो लोग उस तरह से बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पाते हैं। हमारा मन पॉजिटिव होने लगे, हमारे मन में संकल्पों की स्पीड स्लो डाउन हो जाए तो वी बिकम पावरफुल। हम अपने मन को ऑलमाइटी से जोड़ दें, वी बिकम पावरफुल। ये हमें रोज करना है। आप सभी जो डॉक्टर्स हैं, आप सभी को, चाहे आपका मेडिकल स्टाफ है, नर्सिज है, जो आपके साथ कार्य कर रहे हैं, उन सब से वाइब्रेशंस फैलते हैं। ये वाइब्रेशंस पेशेंट्स को बहुत मदद करते हैं। इसी क्रम में दूसरे सत्र में मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेम मसंद, मुंबई से वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शुभधा नील ने अन्य कई विषयों पर प्रकाश डाला। ईश्वर से अपने आप को कनेक्ट करके उस एकाग्रता के आधार से वो पावर आ जाए, योग की शक्ति अपने अंदर विकसित हो जाए और उस पवित्रता से, नैतिकता से जो बल उसके अंदर एकत्रित हो जाए तो शांति का सहजता से अनुभव कर सकते हैं। जब इरिटेशन है, एंगर है, उदासी है, ये सभी हमारे निगेटिव इमोशंस है, तो कैसे निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कैसे हमारा माइंड और बॉडी का कनेक्शन है, और माइंड यदि हम कंट्रोल कर लेते हैं मेडिटेशन के द्वारा, तो हमारे ये जो निगेटिव इमोशंस है, निगेटिव थॉट्स है, उसको हम पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इमोशंस में यदि कन्वर्ट कर सकते हैं। और सिंपल सा तरीका हमने वहाँ पे जो देखा, जो सुना मेडिटेशन, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा संचालित सामुदायिक रेडियो केंद्र रेडियो मधुबन 90.4 FM द्वारा समय प्रति समय जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में पोषण की पोटली कार्यक्रम के अंतर्गत आबू रोड के नागपुरा गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शारीरिक और मानसिक विकास में पोषण का महत्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूल की कक्षा पहली से छठवीं के बच्चों को जागरूकता दी गई। इस दौरान रेडियो मधुबन द्वारा बच्चों को स्वेटर भी वितरित किए गए। वहीं इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाध्यापक गोपाल राजपुरोहित एवं अचपुरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य कांतिलाल, विद्यालय के समस्त स्टाफ, रेडियो मधुबन के स्टेशन हेड बीके यशवंत पाटिल, कम्युनिटी रिपोर्टर आरजे पवित्र, टेक्निकल हेड रोहित, प्रोडक्शन हेड बीके कृष्णा समेत नागपुरा ग्राम पंचायत की सरपंच प्रीति एवं अन्य कई लोग शामिल थे। कृषि और ऋषि दोनों का एक ही काम है। ऋषि भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं, वह कृषि मेहनत करने की तपस्या करते हैं और उनकी मेहनत से ही आज हमारा देश समृद्ध है। ये बात सरगुजा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके विद्या ने राष्ट्रीय किसान दिवस पर अंबिकापुर सेवा केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। वहीं राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित वृक्ष मंत्री एवं भारत कृषक समाज के अध्यक्ष ओपी अग्रवाल, राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय के अध्यक्षता अधिष्ठाता बीके सिंह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी आरके कुंवर, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना मिश्रा ने यौगिक और जैविक खेती द्वारा उत्तम खेती करने तथा विचारों की शुद्धता और राजयोग द्वारा मन को शक्तिशाली बनाने पर बल दिया। जब किसान समृद्ध बन जाएगा तो उनके द्वारा उगाए हुए धन जो हम सब तक पहुँच रहा है, उनके विचार शुद्ध होंगे और ये देश समृद्ध हो सकता है। केचुआ 70 बार नीचे जाता है और नीचे जो मिनरल्स हैं उनको उठा के लाता है। दूसरा, वो जो खाता है तो उसकी जैसे आपकी तेल की घानी होती है, तेल निकालने वाली, उसकी अतड़ी ऐसे ऊपर से जब नीचे जाता है तो जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो है आंबा है,
जो भी कैल्शियम जो भी पदार्थ है उनको विभाजित करता है। बाकी कोई ताकत, दुनिया की कोई ताकत नहीं। जैविक खेती और यौगिक खेती, यौगिक खेती क्या है? जैविक खेती ही है, लेकिन जो योगी होगा वही जैविक खेती करेगा। इस कार्यक्रम के अंत में कई किसानों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया और अतिथियों को भी ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। वहीं बीके बहनों ने उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया। यूपी सरकार द्वारा लगाए गए किसान मेले में किसानों के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम विकास प्रभाग की प्रदेश संयोजिका और कासगंज सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सरोज मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। बीके सरोज ने परंपरागत खेती पर बल देते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा चलाए जा रहे शाश्वत योगिक खेती अभियान की जानकारी दी तथा अलीगढ़ मंडल के आयुक्त गौरी शंकर प्रियदर्शी, कासगंज जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह को ईश्वरीय सौगात भेंट की। इस भव्य मेले में ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ओर से चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका सभी गणमान्य अतिथियों, कृषकों व सामान्य नागरिकों ने अवलोकन कर इसका लाभ लिया। बात करें मध्य प्रदेश की तो नरसिंहपुर में राष्ट्रीय किसान दिवस अलग रीति से मनाया गया। इस अवसर पर ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सुमंत ऑनलाइन कार्यक्रम के जरिए ही श्रोताओं से रूबरू हुए और प्रभाग द्वारा किसानों की उन्नति के लिए चलाए जा रहे शाश्वत योगिक खेती अभियान की संक्षिप्त में जानकारी देते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम ने राज्यों के लाभ बताते हुए उसका सुंदर अभ्यास कराया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ वैज्ञानिक के बी सहारे, विषय वस्तु विशेषज्ञ आशुतोष शर्मा, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी BDR समेत अन्य अतिथियों ने अपने सुंदर विचारों से सभी को लाभान्वित किया। अब डालते हैं एक नजर अन्य कुछ खबरों पर। क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में भुवनेश्वर के डिवाइन रिट्रीट सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां मुख्यालय से पहुंचे वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बीके भगवान ने सभी को पर्व का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए हर्षोल्लास से पर्व को मनाने की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना भी मुख्य तौर से वहां मौजूद रहीं। इसी क्रम में यूपी में ग्रेटर नोएडा के छपरोला सेवा केंद्र पर भी क्रिसमस का त्योहार खुशियों से मनाया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुधा ने सभी को कमेंट्री द्वारा राज्यों की गहन अनुभूति कराई और स्वयं में नवीन परिवर्तन करने के संकल्पों के साथ नए साल का स्वागत करने का आह्वान किया। इस अवसर पर अतिथि के तौर पर आई ऑर्थोपेडिक सीमा नरूला, यूपी स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट के वरिष्ठ नेत्र परीक्षण अधिकारी AK नरूला ने अपने अनुभव साझा किए। ब्रह्मा कुमारी से ग्राम विकास प्रभाग और मध्य प्रदेश के साईखेड़ा सेवा केंद्र के संयुक्त प्रयास से राष्ट्रीय किसान दिवस पर किसानों के सम्मान में विशेष कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री राकेश खेमरिया, कृषि समिति जनपद पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार दुबे, गाडरवारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिला, साईखेड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके वंदना समेत अन्य अतिथि उपस्थित रहे और किसानों की समस्याओं पर बात करते हुए उन्हें समाधान बताया। इसी तरह उड़ीसा के अस्का में भी किसानों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से बीके सुंदर, पूर्व HM रघुनाथ जैना, सेवा केंद्र प्रभारी बीके पार्वती ने योगिक खेती पर अपने विचार रखे तथा सभी उपस्थित किसानों से उसे अपनाने का आह्वान करते हुए दृढ़ प्रतिज्ञा कराई। आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।